तो आज है 15 अगस्त, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो आज का प्लान ये है कि आज 15 अगस्त की एक राइड है आगरा की, और जाना कहाँ है वो वहीं जाकर डिसाइड करेंगे, सारे राइडर्स बताएंगे, बाकी अपनी बाइक ये खड़ी है गाइस। एंड मैं आपको बता दूँ, आज सारे आगरा के राइडर्स आने वाले हैं, जितने भी बड़े बड़े राइडर्स हैं सारे आगरा के राइडर्स आने वाले हैं, तो भाई बने रहना वीडियो में, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। एंड मैं हूँ अभी एनापुर से निकला हूँ और यहाँ पे हाईवे पे खड़ा हूँ। तो आज आपको हायाबुसा, डोमिनार एंड निंजा विंजा जो भी बाइक है ना, सब आपको दिखने वाली है गाइस। तो बने रहना भाई, बहुत मजा आना भाई इस वाली वीडियो में। तो मिलते हैं देन आपको आगरा। थोड़े से सब्सक्राइबर रह रहे हैं भाई, तो करवा दो बनके जल्दी से कंप्लीट। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से और आगरा जाके मैं आपको बताऊँगा कि क्या प्लान है, कहाँ पर जाना है। और आज आगरा के राइडर्स आने वाले हैं भाई, जिनके पास सुपर बाइक्स हैं, बुसा, निंजा एंड डोमिनार, और भी बाइक्स हैं काफ़ी सारी। मैं आपको बाइकें दिखाने वाला हूँ आज, तो ये वाली वीडियो भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहना मेरे साथ। ठीक है, तो चल रहे निकलते हैं गाइस। एंड फ्यूल अप भी कराना है अपनी बाइक में, तो चलिए पहले फ्यूल अप कराते हैं, फिर लगाते हैं बाइक को आगरा। तो गाइस आज़ादी के अमृत महोत्सव का, आप भी कहीं पर ना कहीं पर जाके हिस्सा बनिए, इतनी सारी रैलियाँ निकल रही है, आप जाके कहीं ना कहीं हिस्सा बनिए और इसका आनंद लीजिए। भी हो चुका है गाइस, और अपनी बाइक में हवा भी चेक हो चुकी है, एयर थोड़ी कम थी। एंड लेट्स गो। आकाश भैया, मैं आपकी वीडियो रेगुलर देखता रहता हूँ भैया। अरुण नाम से मेरा चैनल है और मैं कमेंट भी करता रहता हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पे आकाश चतुर्वेदी, जो हमारे आगरा के राइडर्स हैं, इनके काफी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं भैया के आगरा से। हमारे भैया पहले ऐसे हैं जो उनके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं मोटो ब्लॉगर में, तो आज उनके साथ राइड होने वाली है। और बाकी उनके ये दोनों भैया उनके साथ के हैं और आने वाले हैं अभी राइडर्स, तो बने रहिए गाइस। सो गाइस ये बाइक से देख रहे होंगे आप, डोमिनार 400 एंड पल्सर आरएस 200 एंड एक और डोमिनार, ये भी 400 ही है गाइस, और अपने पास बाकी अभी राइडर्स और आने वाले हैं गाइस, बहुत सारे अभी बाइक्स हो जाएंगी। तो गाइस लाइनअप देखिए बाइकों का, और ये प्रच्छाग्रेस टूर सदन आगरा विकास अधिकृत आगरा, और यहाँ से शुरू होती है हमारी राइड। आगे चल रहा है देखिए आज़ादी का ताज महोत्सव, वहाँ से वो देखिए वहाँ पर मंच वगैरह लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एंड मैं निकालता हूँ एक आधी फोटो। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से नीचे सूर सदन आगरा। तो लाइट को गाइस देखिए, VNS, चलिए चलते हैं गाइस। और आगे और भी, आगे और भी गाइस राइडर्स खड़े हुए हैं आगरा के, तिरंगा लेके दोनों तिरंगा बेच रहे हैं, और जगह जगह रेली निकल रही है गाइस, जगह जगह रेली निकल रही है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, हर जगह रेली है। ये देखिए हम भी साउंड लगा के रेली निकल रही है और नाच रहे हैं भाई, 15 अगस्त से आज आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं लोग।
ओके कोई नहीं हुंडई कौन सी बाइक है? अफ्रीकन अफ्रीकन ट्विन। हाँ चैनल लगी। ये कितना सीसी है? 1100 है। जब भी बहुत तगड़ी बक रही है। इसमें एग्जॉस्ट है वो आया या डलवाया आपने? अच्छा वो ही लाउड है काफ़ी। तो गाइस ये होंडा की अफ्रीकन ट्विन भाई 1100 सीसी बहुत तगड़ी बाइक है गाइस। यार ये मेरे तो पास से निकल गई, पता ही नहीं चला कौन सी बाइक है एकदम। अरे भैया गियर का सिस्टम इधर नहीं है क्या? गियर का सिस्टम, रेस और ब्रेक। अच्छा चलो ये भी ठीक है। तो भाई गियर नहीं है यार इस बाइक में, ये देख सकते हैं आप, एक भी गियर नहीं है भाई। इसमें रेस ही रेस है, रेस ब्रेक और सिस्टम। ये देखो भाई एग्जॉस्ट भी काफ़ी लाउड है गाइस। तो भाई लोकेशन मिली थी GLE यूनिवर्सिटी की, और GLE यूनिवर्सिटी देखिए वो आगे है, मैं पहुंच चुका हूँ। और लेफ्ट साइड पर ही कोई बताया था स्ट्रीट फूड, उसके नेम से कोई रेस्टोरेंट है। तो चले चेक करते हैं, मिलते हैं अपने ग्रुप से। कहाँ थे ये लोग, आई डोंट नो। और लाइनअप देखिए बाइकों का, देखिए वहाँ से यहाँ तक पूरी बाइकें खड़ी हुई हैं। और जी मांग भाई मेरे। अच्छा और जी यूनिट भैया क्या हाल है यार, रुके ही नहीं आप तो। तो भाई ये भैया हैं, इन्होंने बोला और रुके नहीं यार। आगरा से ही, मतलब आगरा से मथुरा तक बोला था। हाँ अच्छा बोला था यार, रोके ही नहीं आप लोग। सो भाई मैं आप लोगों को भी बाइकें दिखाता हूँ यहाँ से पूरा लाइनअप। और अभी और सारी बाइकें रह गई हैं गाइस। ये है निंजा 300, यामा R1 और बुलेट, इसको तो जानती हैं। और ये है बनेली, ये देखिए बनेली, इसका वही कितना सीसी है वो पता नहीं भाई। और डोमिनार रेड कलर की 250 सीसी, R15 एंड अपनी रानी अपाचे। और यहाँ पर देखिए RS 200, और ये कड़ी है भाई अपने नीरज भाई की डेविल, R15 एंड हिमालयन, एंड एक और हिमालयन भाई, एंड मोटर हार्ले डिवीजन भाई। इसकी तो बात ही अलग है यार, तगड़ी बाइक है भाई ये। एंड एक और हार्ले अपनी, वो एक और हिमालयन खड़ी हुई है, एंड बुलेट। अभी मैं स्ट्रीट फूड पर हूँ और सारे अपने भाई बाइकर्स जितने भी हैं सारे यहीं पे हैं। अब चलिए चलते हैं अंदर। ओह माय गॉड, तो सारे गाइस यहीं पे सारे बंदे अपने रुके हुए हैं। और हेलमेट देखो, हेलमेट का हेलमेट देखो, ये हेलमेट दिख रहे होंगे और इधर साइड भी हेलमेट। तो गाइस अभी स्ट्रीट फूड पर रुके हुए हैं यार। तो गाइस चलिए पिज्जा खाते हैं यार, और बाकी भैया वीडियो बना रहे हैं GoPro से अपने, ये भी भैया राइडर हैं।
और पिज्जा लेके आया हूँ भाई, भूख लग रही है बहुत तेज। तो देखिए अभी स्ट्रीट फूड पर है मथुरा से, GLA यूनिवर्सिटी से थोड़ा आगे, खाते पिज्जा, बहुत जोर से भूख लगी है यार। लंच वगैरह ब्रेकफास्ट हमने यहाँ पे कर लिया। अभी हम लोग यहाँ से बाइक को स्टार्ट करने के बाद बाहर निकलेंगे, गेट से बाहर निकलेंगे तो बाहर सलमान आपको सेंटर में खड़े दिखाई देंगे, अच्छे बीच में इस साइड सामने, तो वहाँ उसके चारों तरफ हमें रिंग बनाना है, टायर सलमान की तरफ, ठीक है, और वो चारों तरफ सारे बाइक रिंग बना लेंगी, बीच में ये बर्नआउट करेंगे, ठीक। मैं डिसिप्लिन से चल रहे हैं गाइस काफ़ी, और काफ़ी हेड भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं यार, तो उनको पता भी है राइड का। ओके तो निकलते हैं, ये भाई बर्नआउट दिखाएंगे, भाई R1 है वो बर्नआउट मारने वाले हैं, भाई बड़ा वाला एंटरटेन काफ़ी। जिनके पास ग्रीन कलर की डोमिनार है 400 cc, कैमरे आगे खड़ी हुई है, बेस वाला साउंड है गाइस, बर्नआउट देखना आप अभी। अल्टीमेट सीन गाइस, पूरा टायर जा चुका है, देखिए टायर की क्या कंडीशन हो चुकी है अभी। ओए जी अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद जय भारत।